अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो सरकारी मुलाजमीन खसूसन ख़वातीन के हवाले से है कि ख़वातीन की बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। उसके हवाले से एक तरमीमी बिल भी जो है वो असम्बली में जमा करवा दिया गया है, जिसको पंजाब मेटर्निटी बेनिफिट तरमीमी बिल का नाम दिया गया है। ये है क्या, इसके हवाले से मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। पंजाब मेटर्निटी बेनिफिट तरमीमी बिल 2019 असम्बली में जमा करवा दिया गया है। खातून मुलाजम को बच्चे की पैदाइश पर 24 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी, इजाफा भी इसमें किया जा सकता है। इस काते अमल पर भी मेटर्निटी बेनिफिट्स और तनख्वाह के साथ 6 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। तरमीमी बिल जो है मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने पंजाब मेटर्निटी बेनिफिट तरमीमी बिल 2019 पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया है। तरमीमी बिल के मुताबिक खातून मुलाजम को बच्चे की पैदाइश के मौके पर 24 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी, जिसमें से बच्चे की मुतवक्का पैदाइश से 6 हफ्ते कबल इसे छुट्टी मिलेगी। खातून की सेहत और मुलाजमत की नौयत को मद्देनजर रखते हुए अगर ज़रूरी हो तो छुट्टी में इजाफा भी किया जा सकता है। खातून मुलाजम का इसकाते अमल होता है तो इसे भी मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे और तनख्वाह के साथ 6 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। अगर दौरान हमल या पैदाइश के वक्त खातून की तबीयत खराब होती है, बच्चे की कबल अज वक्त पैदाइश होती है या इसकाते अमल होता है तो इसे तनख्वाह के साथ 1 माह की छुट्टी मिलेगी। आर्डिनेंस में शिक ए 8A और 8B का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक हर इदारा जहां 50 या उससे ज़ायद मुलाजम होंगे वो डे केयर सेंटर बनाएगा जो आर्डिनेंस में बताए गए मेयार के मुताबिक होगा। हर इदारा खातून को मुलाजमत पर रखने के वक्त इसे आर्डिनेंस के तहत मिलने वाले फवायद से मुतालिक आगाह करेगा। बच्चे की पैदाइश के बाद खातून मुलाजम को काम के दौरान रोज़ाना 2 दफ़ा ब्रेक दी जाएगी ताकि वो बच्चे को देख सके, जब तक बच्चा 15 माह का ना हो जाए। शिक नंबर 9 के तहत जिस इदारे का मालिक आर्डिनेंस की किसी भी शिक्स की खिलाफवर्जी करेगा उसे सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी न्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। पसंद आने पर फिर आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका